अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पीएम की अपील, लॉकडाउन का पालन करें। सीएम योगी की अपील, लॉकडाउन न तोड़ें। लेकिन इन्हीं के मातहत इस मनुहार को मनमाने ढंग से तोड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि बीजेपी के सिपाहियों के परिवार के लोग गोरख धंधों में लगे हैं और अपनी ही पार्टी की साख को पलीता लगा रहे हैं, अपने ही नेता को धता बता रहे हैं। तस्वीरें वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र की हैं, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष का नाम शराब तस्करी में सामने आने के बाद सनसनी देखने को मिली। संजय गुप्ता का नाम सामने तब आया जब उनका ही छोटा भाई शराब की खेप के साथ गिरफ्तार हुआ। शराब तस्करी में संजय गुप्ता का नाम सामने आया तो पार्टी आला कमान पर सवाल उठने लगे। ऐसे में बीजेपी ने आनन फानन में अपने ही सिपाही को पद से अपदस्त कर दिया। दिनांक 22 अप्रैल को संदहा तिराहे में वाहन चेकिंग का एक अभियान चला था। इसी वाहन चेकिंग के अभियान के दौरान एक मारुति 800 कार के ने चेकिंग की, जिसमें 12 पेटी देशी शराब संतोष गुप्ता के नामक व्यक्ति से बरामद हुआ है। मौके पर एक व्यक्ति अरविंद पांडे जो भागने में सफल रहा है, पुलिस उसकी पूछताछ कर रही है। दौरान विवेचना हमें यह भी ज्ञात हुआ कि जो मुख्य संचालक था संजय गुप्ता, उसकी कानूनी कार्रवाई की जाए। कितने लोग टोटल सम्मिलित रहे हैं सर इस मामले में? पूरी जांच चल रही है और हमें आज मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी दिखा है। कितने पेटी शराब बरामद हुई? 12 पेटी शराब बरामद हुई है और एक पेटी में 45 पीसेस थे। 26 अप्रैल को पुलिस ने चेकिंग के दौरान मारुति 800 को पूछताछ के लिए रोका। ऐसे में ड्राइवर ने कार रोकने की बजाय भगाने की कोशिश की, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने उसे दबोच लिया और रोकने पर पुलिस ने जो कार में देखा उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल कार में पुलिस ने देशी शराब का जखीरा बरामद किया। अपने नेता पर सवाल उठे तो फिर पल्ला झाड़ने का दौर शुरू हो गया। ऐसे में काशी से बीजेपी अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव ने कहा कि संजय गुप्ता की शिकायतें मिल रही थीं, इसीलिए अब वो पद से हटा दिए गए। शराब के साथ गिरफ्तार किया गया संतोष गुप्ता संजय गुप्ता का सगा छोटा भाई है, जो फिलहाल पुलिस हिरासत में है और पूछताछ जारी है। मामले में अब पुलिस के साथ साथ आबकारी विभाग भी कार्रवाई में जुटा है। देखना यह है कि आगे इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।